सही पढ़ गए। पेट्रोल अभी गुड़गांव में मेरे को पहली गाड़ी मिली। अच्छा गुड़गांव की। वेलकम बैक टू माय चैनल पवार ब्रदर्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई बताओ कौन सी गाड़ी है? वो यार सेम एक्सयूवी 700। कौन सी होगी दिखा देता हूँ आपको सामने से एक बार लुक गाड़ी की। तो भाई ये है एक्सयूवी 700, ये रही अपने विटारा ब्रीजा। तो भाई आज ये जो गाड़ी है डीजल की गाड़ी है और आज हम इसका ओनरशिप रिव्यू करेंगे भाई से कि कितने पैसों की है, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ तो भाई बहुत सारा शोर आ रहा है गाड़ी में, अंदर बैठ के बात करें। भाई अंदर आ जाओ गाड़ी के। ये देखो भाई मजे आ रहे हैं भाई 700 में। बिल्कुल भाई बिल्कुल मजे आ रहे हैं एक नंबर के। भाई ये बताओ सबसे पहले कौन सा मॉडल है, क्या चीज है इसकी? ये X5 मॉडल है भाई। X5 डीजल, डीजल मैनुअल, मैनुअल। हाँ अच्छा, तो डीजल में तो एक मैंने पूछी 2 साल की वेटिंग बता रहे हैं। वेटिंग है पर मेरी पहली बुकिंग है ना 7 अक्टूबर की, जिस दिन लॉन्च हुई थी उस दिन। अच्छा आप उन 25,000 कस्टमर में आ गए जिन्होंने पहली बुक करी। फिर कितने दिन में मिलेगी भाई मेरे को? अब लगा लो आपको 2-1 महीने मिलेगी। 2-1 महीने में। अच्छा तो गाड़ी में क्या मजा आ रहे हैं, मतलब कुछ बताना चाहोगे? गाड़ी बहुत बढ़िया है भाई। टाटा सफारी है, जीप कंपस है इसकी टक्कर की, सबसे बेस्ट गाड़ी है, सबसे बेस्ट गाड़ी है। अच्छा तो ये जैसे थार खड़ी है तो थार भी क्यों नहीं गए हम? गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर जुड़े हुए कार्यक्रम किसान की बात में, जिसमें आज आपने जाना किसान सम्मान। ये ऐसा ही 7 सीटर है, थार में इतनी फैमिली आ नहीं पाती। अच्छा अच्छा दिक्कत है, ये बात है। बाकी कोई एवरेज वगैरह क्या सीन मिल रहा है गाड़ी? एवरेज बढ़िया है, 15 की एवरेज है। 15 अच्छा, लोकल में। लोकल में हाईवे पे तो और निकाल ही देगी। अच्छा हाईवे पे आराम से आएगी 18-19। तो भाई जितनी मतलब इसकी उड़ाई थी कि ये फंक्शन है वो फंक्शन है, तो वो सारे चीज है, सारी चीजें हैं भाई। मतलब सेटिस्फाई हो उस चीज से कि मजे मिल रहे गाड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो MG एक्टर है जैसे, वो चाइनीज फंक्शन है उसमें, और ये अपनी इंडिया की कंपनी है महिंद्रा, तो ऐसा लोकल वोकल तो कोई काम नहीं है जैसे कुछ कभी खराब हो रहा है कुछ हो रहा हो। कुछ नहीं, बिल्कुल बेस्ट चल रही है। बिल्कुल बेस्ट चल रही है। अच्छा जी, तो भाई कितने रुपए कितने की पड़ गई थी गाड़ी? ये 19 लाख रुपए पड़ी भाई। 19 लाख में। अच्छा इससे ऊपर वाला कौन सा, वो लग्जरी वाला था? वो X7 आएगा, फिर उससे ऊपर लग्जरी पैक आएगा। अच्छा वो क्यों नहीं लिया आपने X7? वो चॉइस ही नहीं थी, ज्यादा सेंसर ज्यादा दिक्कत करते भाई। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे जो हमें फंक्शन चाहिए थे सब मिल गए। अच्छा इसमें सबसे बेस्ट फंक्शन क्या लगा आपको कि भाई इसमें तो मजे बैठ गए? सारे हैं बिल्कुल कम्फर्टेबल है, इनोवा जैसे, जैसे इनोवा टोयोटा थी ना उसकी कम्फर्टेबल सीट है। अच्छा और बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट है। तो इनोवा क्यों नहीं ली ये? इनोवा उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। अच्छा ये टायर है इसका 200 से ऊपर है। अच्छा ये ऊंची है गाड़ी? ऊंची है, कहीं फील नहीं होता कि नीचे गाड़ी में बैठे हो? ऐसे भी नहीं, बहुत मजेदार। अच्छा जी, फिर टोयोटा और महिंद्रा जैसे, तो महिंद्रा पे गए आप, टोयोटा आपने छोड़ दी। फिर भी यार टोयोटा जैसे मतलब 2-3 लाख किलोमीटर भी चला दे गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं आती है। महिंद्रा जैसे नई नई चीज आई है, और जो अपनी इनोवा थी वो थी काफी पुरानी, मतलब रीसेल वगैरह बढ़िया, तो आपने रिस्क उठाया इतना बड़ा, तो आप उस चीज से संतुष्ट हो? कोई दिक्कत नहीं। जितने फीचर हमें इसमें मतलब जैसे मान के चलो आप इतनी 19 लाख में हमें कम से कम मान के चलो 40 लाख रुपए वाले फंक्शन मिल रहे हैं। 40 लाख वाले सारे फंक्शन बिल्कुल एकदम लग्जरी पैक है, सारा स्काई रूप वगैरह सब है इसमें, सब चीज हमें जो चाहिए थी सब मिल रही है। अब जैसे एलेक्सा है वो है, सब चीज है इसमें। अच्छा अच्छा, तो आपने कौन सी गाड़ी से अपग्रेड करी है? पहले कौन सी यूज करते थे? पहले स्कॉर्पियो थी मेरे, स्कॉर्पियो सा है इस पे। तो स्कॉर्पियो से स्कॉर्पियो पे पहले कौन सी स्कॉर्पियो थी? S11 थी या पुरानी शेप में थी? ना ना वो 2014 मॉडल था मेरे पास। अच्छा पुरानी शेप में आती थी VXL वाली। अच्छा अच्छा, तो वो लगा दी थी और ये लिया है? वो दे दी मैंने बाहर, दी बाहर दी, और फिर इनसे बुक करा रखी थी। अच्छा तो फिर ये मिल गई मेरे को, और मतलब मेरे को अप्रैल की डेट दी थी इन्होंने, अप्रैल की 2022। अभी मतलब अब दिसंबर है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, जब 4 महीने बाद हो। तो मॉडल पे डिफरेंट करता है ना, जैसे जो भी है वेरिएंट है भाई, कोई कभी कोई से वेरिएंट आ रहा कभी कोई सा। अच्छा तो इनकी कॉल आई मैं कभी ले लेंगे। अच्छा तो आपने ले ली गाड़ी है, महिंद्रा तो महिंद्रा पे गए, महिंद्रा से महिंद्रा। तो पेट्रोल पे क्यों ना लिया? पेट्रोल में पेट्रोल जल्दी मिल जाती है, पेट्रोल की मिल जाती है। पेट्रोल का एक तो माइलेज नहीं है। अच्छा बिल्कुल बहुत ही कम है। अच्छा 6-7-10 का होगा बस, जहाँ खूब जोर मार्ग 10 का एवरेज होगा। अच्छा जी, पर इसका एवरेज बिल्कुल बेस्ट है, 15-16 आराम से, लॉन्ग रूट पे 18 तक। कहाँ पे गए हो अभी से कहीं घूम? लोकल में भी 15 दिखाती है। अच्छा जी भाई, इस ये इस चीज से संतुष्ट हो मतलब? हाँ बिल्कुल, ये लगा लो। अच्छा जी, ये टच का है? कैसे कैसी है? सारा टच है। अच्छा जी, और ये भी टच है? ये सब टच है। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कल 1 तारीख को किसान सम्मान निधि योजना की 10। और स्पीकर वगैरह के बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हाँ, सोनी का है सारा, सोनी का, मतलब बढ़िया मजा आ रहा है एकदम परफेक्ट। अच्छा अच्छा,
तो कितने दिन हो गए भाई गाड़ी को लिए? इसको हो गया एक महीने के करीब। एक महीने करीब कितने चला दिया आपने गाड़ी? मैंने अभी चलाई है मेरे ख्याल 400-500 किलोमीटर चलाई है। 400-500 मेरे को बाद 20-22 दिन हुए। 20-22 दिन। अच्छा मतलब नई बनी पड़ी है गाड़ी? अच्छा जी, सारा कंपनी से ही कराया सारा काम। पीछे की भाई जो सीट है, जैसे अपने स्कॉर्पियो में तो आदमी 7 आदमी मतलब 7 सीटर बस था एकदम, कोई दिक्कत ना। इसकी सीट वेट छोटी वोटी है, आराम से आ जाते हैं, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, बड़े भी बैठ सकते हैं। अच्छा अच्छा, और जितनी मतलब कोई भी गाड़ी ऐसी ना जिसमें इतना स्पेस हो। अच्छा जी, वेंट भी है इस बार। अच्छा, एसी वेरिएंट भी है पीछे, हर उस पे सीट पे एसी है। अच्छा, ये बीच वाला मॉडल है भाई? बीच वाला है। अच्छा, और इससे बेस में कुछ आता है? इससे बेस में आएगा AX3 MX। अच्छा अच्छा, तो भाई व्हाइट कलर क्यों लिए? मतलब व्हाइट कलर है क्यों? ये मिडनाइट ये मतलब ये इसका नया निकाला था, इसमें ये ले लेते थे। पर ये है कि शुरू से व्हाइट जो है सदाबहार कलर है। हाँ, बिकने में भी कोई दिक्कत ना आती, आगे कोई परेशानी नहीं रहता। वो नया कलर है, हाँ। क्या है, कैसा नहीं है क्या? ना ना, ये बात तो बिल्कुल सही है। बाकी ये बेस्ट कलर, बेस्ट है। तो हैंडल तो इसका बिल्कुल सिंपल सा है ना, बहुत ही कंफर्टेबल बिल्कुल। मैनुअल में है आपकी? अच्छा अच्छा, तो मतलब कुल मिला के बेस्ट है? बेस्ट, तो सही है। तो भाई अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके एक्सपीरियंस शेयर किया जो आपने मेरे साथ XUV 700 का डीजल की का। अब तो 2 साल की वेटिंग बोल रहे सीधा? आराम से। मैंने पूछे इनसे भाई XUV 700 तो 2 साल की वेटिंग दी है? आराम से 2 साल की वेटिंग। कि भाई अब पहले बात ही मत करो, 2 साल वेट करो। हाँ, तो आप तो मतलब बहुत सही पड़ गए। पेट्रोल अभी गुड़गांव में मेरे को पहली गाड़ी मिली। अच्छा, गुड़गांव की पहली गाड़ी है? पूरे गुड़गांव में मेरे को मिली सबसे पहले। अच्छा जी, तो आप तो लक्की कस्टमर हो इनके। पहली जो गाड़ी है वो मेरे को दी। इसका क्या सीन है? 360 कैमरा है, सिंपल बैक का कैमरा है? 360 वाला ही है, बैक वाला। अच्छा, और वो आगे पीछे के दिखते हैं? वो भी सारे सेंसर है, सेंसर है वो। अच्छा अच्छा, वो लग्जरी पैक में आता है? पैक में आई है वो। वो आदमी आगे आ जाता है, गाड़ी रुक जाएगी अपना आप ही। वो एडास का है। अच्छा, एडास नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा, तो मतलब जैसे इसके पहले वीडियो वाडियो आई थी यूट्यूब पे, तो आपने जब इसे देख के उसे मन बना लिया कि भाई? नहीं, पहले भी ये है कि महिंद्रा की मैं गाड़ी चला रहा था, ठीक है महिंद्रा बढ़िया, महिंद्रा पे गए। वरना अगर XUV 700 ना आती तो? XUV 700 नहीं आती तो फिर स्कॉर्पियो दोबारा। स्कॉर्पियो दोबारा, टोयोटा क्यों नहीं लेते? टोयोटा नहीं है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, कंफर्टेबल गाड़ी है। हाँ, इनोवा बढ़िया गाड़ी है, उसको दिक्कत ना है। सीट वेट, टायर भी छोटे हैं उसके। और ये टाटा? टाटा तो शुरू से पसंद नहीं। ये टाटा की इतनी बुरी क्यों करते हैं लोग, समझ नहीं आता भाई। टाटा की गाड़ी अच्छी आ रही है पर शुरू से ही नहीं चलाई कभी टाटा की गाड़ी। अच्छा, कभी मतलब भरोसा सा नहीं हुआ टाटा पे? मारुति या महिंद्रा? मारुति या महिंद्रा, तो सही है। मतलब स्कॉर्पियो से XUV 700 अपग्रेड कर लिया आपने, और गुड़गांव में भी अपनी जो पहली गाड़ी है, पहली गाड़ी थी। तो यार मजे आते हैं उस चीज के ना, जब अपनी कोई पहली चीज हो जिंदगी भर याद रहती है। पहली मिली, पहली इन्होंने मेरे को मतलब बहुत अच्छे तरीके से डिलीवरी दी। अच्छा, सारा इन्होंने भी कहा कि भाई यहाँ केक वगैरह सब कटवाया इन्होंने, बहुत अच्छा मतलब डिलीवरी बहुत धूमधाम से दी इन्होंने। अच्छा अच्छा, और यहीं से लिया आपने? हाँ, ये यहीं से ली, इनका सेक्टर 48 में है कंसेप्ट। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे कभी फिर से, कोई दिक्कत ना। ठीक है भाई, राम राम। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।